जी जोर से बोलो, जोर से बोलो। सिलेंडर अवतार किसका, कैसे और कब होगा? सरेंडर सिलेंडर अवतार कलंकी धरा, कलंकी धरा अवतार कब होगा और किसका होगा? कब होगा वही, कब होगा और किसका होगा, क्या होगा? कलंकी धरा अवतार। क्या अर्थ हुआ कलंकी धर का? है? जिसने कलंकों को धारण कर लिया। वास्तव में कलंक लगने योग्य है या नहीं? कलंक धारण करने वाला है नहीं, फिर भी दुनिया वालों ने कलंक लगाए तो लंबे समय तक कलंक धारण करके रहा, तो नाम पड़ गया कलंकी धर। अब पूछा गया कि अवतार हुआ कि नहीं हुआ, तो देखना है कि कलंक धारण करने वाला कोई है या नहीं है। कलंक लगाते हैं, पतित बनाता है, भ्रष्ट बनाता है, व्यभिचारी बनाता है, किडनैप करता है, भगाता है, या मक्खन चुराता है। ये जो ढेर के ढेर कलंक लगाए हुए हैं, उन कलंकों में सच्चाई है या झूठ ही झूठ है? और वो झूठ है कलंक अज्ञानी लगाते हैं या ज्ञानी आत्माएं लगाती हैं? अज्ञानी आत्माएं लगाते हैं। ज्ञान में चलने वाले भी जो अपने को कहते हैं वो भी या तो अधूरे ज्ञानी हैं, बेसिक ज्ञानी, और अगर पूरा ज्ञान लिया भी है विधिवत तो पूरा समझा न होने के कारण दुनिया वालों की बातों में आ जाते हैं, कमजोर आत्मा होने के कारण, क्योंकि अपना फैसला नहीं कर सकते। तो सोचते हैं कि झूठ और सच क्या है, वो हम अपनी तरफ से फैसला नहीं कर सकते, इसलिए झगड़ा होने दो। जो जीतेगा हम उसी तरफ हो जाएंगे। माना पक्के निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते, आज निश्चय बुद्धि बनते हैं कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। आज रंग राम संप्रदाय में चलते हैं कल रावण संप्रदाय के बन जाते हैं। रावण के तो अनेक मुख होते हैं, कोई किसी मुख को सपोर्ट करते हैं, कोई किसी मुख को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग गुरु ढंग बना के बैठ जाते हैं। ये नहीं समझते कि सदगति एक से होनी है, अनेकों से तो दुर्गति होती है, सबसे जास्ती दुर्गति होती है वैश्याओं की। ये दुनिया ही वैश्यालय बन जाती है, एक आते हैं तो शिवालय बनाते हैं, उनका नाम क्या है? शिव।
वो जो भी करते हैं सेवा अर्थात कल्याणकारी ही करते हैं। बल दुनिया कलंक लगाती है, लेकिन कलंक लगाने से क्या वो अपना काम छोड़ देते हैं? नहीं, नहीं छोड़ते। जो दूसरों से प्रभावित होकर के अपना कार्य छोड़ देता है वो सर्वशक्तिवान नहीं कहा जा सकता। जो सर्वशक्तिवान होता है वो सत्य होता है, जो सत्य होता है वो अखंड और अडोल होता है, उसको कोई हिलाए नहीं सकता। तो बताओ, अपने प्रश्न का जवाब आप खुद ही बताओ कि अवतार हो चुका है या नहीं हो चुका है? तो पूछने की दरकार ही नहीं। हो चुका है तो कब हो चुका? है नहीं, 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 जो पूछता है उसे बता दो कब हो चुका है। अरे कब से कलंक लगना शुरू हुए है? नहीं पता है? कलंकी अवतार जब दुनिया का विनाश होना होता है तब होता है या पहले ही हो जाता है? है? जब दुनिया का विनाश होने होता है कलयुग के अंत में तब ही कलंकी अवतार होता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश की शुरुआत कब से हुई? मुरली ने अभी क्या बताया? 76 में विनाश हो जाएगा, ऐसे मुरली में बोला गया। और तो जब से विनाश की शुरुआत हुई तभी से कलंक भी लगाए गए। और हाँ, हाँ जी, शंकर के मंदिर को जब झंडा लगाते हैं भगवान शंकर के मंदिर को, भगवान शंकर, ये शंकर जी विष्णु जी ब्रह्मा जी भगवान कब से हो गए? कभी मंदिर है? अरे पहले ये तो बताओ कि भगवान है कि नहीं है? शंकर जी भगवान है कि नहीं है? एक तरफ कहते हैं देव देव महादेव और दूसरी कहते एक तरफ कह देते हैं शंकर भगवान। तो देवता है कि भगवान है? है, देवताओं में बड़े देवता हैं, लेकिन भगवान तो, भगवान तो नहीं, क्योंकि भगवान कभी दूसरे को याद करेगा क्या? वो तो खुद ही भगवान है, वो किसी को याद क्या करेगा? शंकर जी तो क्या करते हैं, बैठे बैठे याद करते हैं। तो उनसे भी बड़ा कोई है ना जिसको याद करते हैं? भले खुद महादेव है तो भी कोई को याद करते हैं। हाँ, तो शंकर भगवान फिर क्या करते हैं? शंकर के मंदिर में झंडा लगाते हैं। झंडा लगाते हैं? हाँ, वो झंडा अखंड रहता है। हाँ, अखंड में आ जाता है वो, ठीक है। और दूसरे झंडे अखंड नहीं रहते, ऐसा क्यों है? क्यों, वो झंडा कभी बरसात में पानी में ओले गिरते हैं या धूप पड़ती है तो कभी कपड़ा सड़ता नहीं है? हाँ? क्यों कह दिया वो झंडा अविनाशी रहता है? माना ऐसी मान्यता है कि और झंडे झुक जाते हैं लेकिन
जो शंकर के मंदिर में झंडा लगाया जाता है वो कभी झुकाया नहीं जाता। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ एक ही नारायण है जिसकी सदैव विजय ही विजय का झंडा लहराता है, उसकी कभी हार होती ही नहीं। इसलिए नारायण की कोई ग्लानि शास्त्र में भी नहीं है। भगवान की ग्लानि करेंगे, कृष्ण की ग्लानि करेंगे, राम की ग्लानि करेंगे, शंकर की ग्लानि करेंगे, करते हैं ना, लेकिन नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। नेक्स्ट टू गॉड इज कौन है? नारायण। उसी को शंकर नाम दिया है, उसी को कृष्ण नाम दिया है, उसी को प्रजापति का नाम दिया है। व्यक्तित्व तो एक ही है। अगर वो भी हारने लगे तो विश्व की बादशाही किसको मिलेगी? फिर जो जीतेगा वो ही विश्व का बादशाह बन जाएगा। और शिवरात्रि मंडली की प्रथा क्यों आ चुकी है? हाँ, शिवरात्रि मनाने की प्रथा क्यों आ चुकी है मान्यता? जैसे और त्योहार मनाए जाते हैं तो कभी प्रैक्टिकल में वो त्योहार हुआ होगा ना। जैसे दीपावली में दीपक जलाते हैं तो प्रैक्टिकल में आत्मा के दीपक कभी दुनिया में जले होंगे ना, तो उसकी यादगार में दीपावली मनाते हैं। ऐसे ही विकारों की लकड़ियों का होली कभी जलाई होगी ना, तो होली का मनाते हैं। कहते हैं होलिका में होलिका जल गई और आत्मा, प्रहलाद रूपी आत्मा ज्यों की त्यों बनी रही। सारी दुनिया जल जाएगी लेकिन आत्माएं नहीं जलेगी। आत्मिक स्थिति में रहने वाले सदाकाल इस सृष्टि पर स्थायी रहेंगे। ऐसे ही शिवरात्रि है। क्यों मनाई जाती है? इसलिए मनाई जाती है कि शिव माने कल्याणकारी और रात्रि माने अंधकार। शिवरात्रि नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। इतना बड़ा अंधकार जो दुनिया में कभी होता ही नहीं है 5000 वर्ष के कल्प में। इतना बड़ा अज्ञान का अंधकार जब संसार में फैल जाता है तब वो शिव प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। प्रैक्टिकली सारे संसार में हवा फैल जाती है कि भगवान बाप इस सृष्टि पर आ गया। कब आता है? रात्रि में, साधारण रात्रि में या महान से महान रात्रि में। महान क्यों कहा गया? क्योंकि उसके आने मात्र से ही संसार का महान कल्याण होता है, जो कल्याण आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं। क्या कल्याण होता है? बड़े से बड़े धर्म पिता आए, ग्रेट फादर्स आए, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए, परंतु कोई ने भी नरक को स्वर्ग नहीं बनाया, और उसके आने से ही स्वर्ग स्थापन हो जाता है, नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो जाती है। तो इतना बड़ा महान कार्य और कोई करता ही नहीं,
इसीलिए महाशिवरात्रि गाई जाती है। और हाँ जी राजा कौन, रानी कौन और रॉयल फैमिली कौन, इसकी पुरुषार्थ की गति क्या है? महाराजा तो पूछा ही नहीं है, पहले महाराजा के बारे में पूछना या पहले राजा रानी और राज्य अधिकारियों के बारे में पूछना? हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का है? महाराजा बनने का हमारा लक्ष्य है। तो कौन बनेंगे, यही तो पूछने का अर्थ है ना। महाराजा वो बनेंगे जो महान राजयोगी होंगे, छोटे मोटे राजयोगी नहीं। कैसे? महान राजयोगी होंगे तो महाराजा बनेंगे। सतयुग में भी महाराजा होते हैं और द्वापर में भी महाराजा होते हैं। सतयुग त्रेता के मुकाबले महान है और द्वापर कलयुग के मुकाबले महान है, इसलिए उन महान युगों में महाराजाए होते हैं। बाकी त्रेता में और कलयुग में राजाएं होते हैं। अगर कलयुग में महाराजाएं होते भी हैं तो कहने मात्र के राजाएं होते हैं, सिर्फ टाइटलधारी, या प्रैक्टिकल में भी महाराजा होते हैं। टाइटलधारी कहने मात्र को महाराजा है, लेकिन उनके हाथ में ताकत कुछ भी नहीं होती। वो कौन बनते हैं महाराजाएं? जो महान सेवा करते हैं वो महाराजाएं बनते हैं। छोटी मोटी सेवा नहीं, महान से महान सेवाधारी। बाकी राजाएं बनते हैं, राजाएं तो तभी बनेंगे जब प्रजा तैयार करेंगे। प्रजा वही तैयार करते हैं जो दूसरों को संदेश देते हैं। ईश्वर आया हुआ है प्रैक्टिकल मुकर रथ में आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। ईश्वर की राजधानी स्थापन करने के लिए आया हुआ है। उस आए हुए बाप को पहचानो और पहचान करके अपना उस बाप से वर्षा ले लो। सुख शांति का वर्षा देने वाला है, उस वर्षे का नाम है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। ऐसा जो बहुतों को संदेश देते हैं वो राजाएं बनते हैं। और रानी कौन बनते हैं? जो राजा को फॉलो करते हैं वो रानी बनते हैं, और किसी देहधारी को फॉलो नहीं करते। रानी राजा को फॉलो करने से बनती है, महारानी महाराजा को फॉलो करने से महारानी बनती है। और राज परिवार के सदस्य कौन बनते हैं? महाराजा नहीं बनेंगे, राजा नहीं बनेंगे, महारानी नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? राज परिवार में तो आवेंगे, लेकिन राजा रानी महाराजा महारानी नहीं बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनकर के रह जाएंगे। उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 16,000, 108 भी उसमें ऐड होते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि 108 जन्म जन्मांतर राजा ही बनते रहेंगे।
प्रिंस बनकर के भी कोई कोई जन्म में रह जाएंगे। वो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राजघराने में जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद उनका नंबर है जो राज्याधिकारी बनते हैं। वो राज्याधिकारी जो होते हैं वो सेवादारी की सेवक की लिस्ट में होते हैं, सेवाधारी कहे जाएंगे, सेवक कहे जाएंगे राजा रानी के, या समकक्ष कहे जाएंगे, क्या कहे जाएंगे? सेवक कहे जाएंगे। भले फर्स्ट क्लास सेवादारी हो, कोई महामंत्री बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, अपना अपना पदभार संभालते हैं। अकेला राजा थोड़ा ही राजा ही करेगा, सहयोगी तो चाहिए। और पूछा है ब्राह्मण परिवार में जो कुछ भी ऊपर नीचे होता है हमारे साथ होता है या किसी दूसरे के साथ होता है, वो क्या अपने अपने कर्मों का फल है जो हिसाब किताब के रूप में चुकतू होता रहता है, या बाप अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं कि बच्चे कितने परिपक्व बने हैं, क्या असलियत है? दोनों ही बातें हैं, दोनों ही बातें सच्ची कही जा सकती है। ये भी समझ सकते हैं कि बाप बच्चों की परीक्षा लेते, वास्तव में बाप परीक्षा नहीं लेता, परीक्षा कौन लेती है? माया परीक्षा लेती है। माया की परीक्षा में जो पास होते हैं वो फिर ऊंच पद पाने वाली पावरफुल आत्माएं साबित होती, जो फेल हो जाते हैं उन परिस्थितियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं वो फेल हो जाते हैं। कहेंगे उनके पूर्व जन्मों का कर्म है जो फल दे रहा है असफलता का, अच्छे कर्म किए हैं तो सफलता मिलती है, बुरे कर्म किए हैं तो असफलता मिलती है। इस्लाम धर्म का मुख्य गुणधर्म है महाकामी, तो इस्लाम धर्म के बीच में भी ये गुण विद्यमान होगा, परंतु एक तरफ इस्लाम धर्म के बीज के पार्ट बजाने वाली आत्मा भीष्म, जिसने प्रतिज्ञा की थी आजीवन ब्रह्मचारी रहने की, तो महाकामी कैसे साबित हुआ? दोनों बातें कैसे एक साथ लागू होंगी? भीष्म पितामह को महाकामी नहीं कहेंगे। काम किसे कहा जाता है? काम माने कामना, ऐसे नहीं कि देह की कामना को ही काम कहा जाता है, कोई भी प्रकार की कामना को काम विकार कहा जाता है।
उनमें सबसे बड़ी कामना थी मोह की। किसके प्रति मोह है? अपनी प्रतिज्ञा के प्रति मोह, कौरवों के प्रति मोह कि हम इनकी राजधानी को नष्ट नहीं होने देंगे। ये भी एक कामना है और ये कामना उनमें सबसे जास्ती प्रबल थी। और मोह के लिए ही कहा जाता है मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब प्रकार की बीमारियां, सब प्रकार की कमजोरियां मोह से पैदा होती। देह के संबंधों से ही मोह पैदा होता है। अभी जो केवल 5 साल की मुरलियां मौजूद है, जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा चलाई हुई थी, तो बाबा आज जो मुरली चली इसके 4 दिन के बाद ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो आगे संदेश अथवा अव्यक्त वाणियां चलाई गई थी, तो बाबा अब ये मुरली खत्म होने के बाद क्या चलाएंगे? क्या पीयू की वाणी चलाएंगे? अरे जो भी वाणियां चलाई जा रही हैं वो पहले तो रिवाइज कोर्स की वाणियां चल रही थी। रिवाइज कोर्स की वाणियां ओरिजिनल वाणियां थी या बाद में उनको रिवाइज किया गया फिर चलाई गई अगली तारीखों में, वो थी है? बाद में चलाई हुई वाणियां थी। उनके मुकाबले ज्यादा परिष्कृत वाणी वो है ओरिजिनल जो 68 से पहले चलाई गई थी, वो रिवाइज लिस्ट में नहीं आई, वो अभी चलाई जा रही है। और जो चलाई जा रही हैं उनमें भी रेगुलर सारी ही वाणियां चल रही हैं या बीच बीच में ढेर सारी छूट भी रही है, तारीख वाइज चल रही है या बीच बीच में अनेकों तारीखें छूट रही हैं जो कि नहीं मिल रही है, है? तारीख छूट रही है, तारीख है छूट रही है। इससे क्या साबित होता है कि जो तारीखें छूट रही है वो तारीखें भी खोजने की कोशिश हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? तो तारीखें खोज करके निकाली जा रही हैं, वो अभी और पढ़ी जाएंगी। चलो वो पढ़ने के बाद फिर तो पूरा हो जाएगा, फिर क्या पढ़ेंगे? अरे नहीं, ये तो ब्रह्मा बाबा के समय की लिखी हुई वाणियां पढ़ी गई है, क्लैरिफाई की गई है। उनसे भी ज्यादा अच्छा माल कोई और है नहीं है? कैसेट में जो बाबा कहते हैं सेकंड क्लास वाणी, सेकंड क्लास मुरली, वो कैसेट में डायरेक्ट चलाई हुई वाणी तो अभी सुनी नहीं गई। सुनी गई है क्या? वो भी अभी क्लेरिफिकेशन में आएंगी, उनका भी भंडार इकट्ठा हो रहा है। तो क्यों चिंता करते हो? रिवाइज में और ओरिजिनल में क्या डिफरेंस है? रिवाइज करते हैं जब मुरली को अगली तारीखों में 68 के बाद
जो मुरलियां रिवाइज की गई हैं उनमें मनमाने तरीके से एडवांस पार्टी की नई नई बातें निकलने पर उनमें से कुछ काट दिया गया, कुछ ऐड कर दिया गया, तो करप्शन हो गया। वो मुरलियां तो उनके बीके वालों के पास है ना, और कौन सी पड़ी जाएंगी? बीके वालों तुम क्या नहीं बना रहे हो? बाबा जी यहाँ पढ़ते हैं वो ब्रह्मा के द्वारा चलाई हुई वाणियां नहीं होनी चाहिए। तो बीके वालों के पास कोई दूसरी होती है क्या? हाँ, उन्होंने रिवाइज कोर्स की वाणियों में करप्शन किया हुआ है। जो रिवाइज कोर्स की नहीं है, 68 से पहले की छापी हुई है, उनमें करप्शन उतना नहीं है। हालांकि मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद उनमें भी स्वार्थ के अनुसार करप्शन किया गया, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि 4 पेज की वाणी थी, उसे 3 पेज का बनाया गया, कहीं 4 पेज की कहीं 3 पेज की इस तरह वाणी मिल रही है। लेकिन असली जो वाणियां थी, जो टैप रिकॉर्डर में टैप की गई, वो तो लंबी लंबी वाणियां हैं। और शब्द सहज जो कि क्यों, जैसी जैसी बाबा ने बोली वैसा ही माल है, तो अंतर नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी उनके पास भी मुरलियां नहीं ना बाबा है, रिवाइज मुरलियां रिवाइज वाली जो है वो करप्टेड माल है या ओरिजिनल है? करप्टेड है। उनके पास वही है ना, ओरिजिनल नाम दिखाए तो नहीं होती। अरे तो उनके पास हेड ऑफिस में है, लेकिन जो गीता पाठशालाएं हैं पुरानी पुरानी, जबकि बाबा जीवित थे उस समय की गीता पाठशाला, उनमें ओरिजिनल माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ तो मिलता है। जिसको जिसको चाह होगी वो उन्हें निकालने की राह निकालेगा। और अपने आप अपने को सजा देने से पद नीचा नहीं होगा। धर्मराज की सजा खावेंगे तो पद नीचा हो जाएगा। तो बाबा अपन को आप ही सजा कैसे देंगे? देवान में आने से ज्यादा आनंद आता है या आत्मिक स्थिति में रहने से ज्यादा आनंद आता है? किसमें अल्पकाल का आता है, किसमें दीर्घकाल का आता है? देवान में अल्पकाल का आता है, माने आत्माभिमान में आप 24 घंटे टिकते हैं। कितना टिकते हैं? स्थिति पक्की हो गई तो? हाँ पक्की हो गई। कितनी पक्की हो गई? कुछ तो पता होगा ना, वो अल्पकाल की पक्की हो गई कि कुछ सदाकाल की पक्की हो गई? अल्पकाल की पक्की हो गई तो अल्पकाल का अनुभव होगा। माया बीच बीच में कनेक्शन घड़ी घड़ी तोड़ देती है, और देवान की प्रैक्टिस पड़ी हुई है 63 जन्मों की, तो देवान का सुख ज्यादा उठाए रहे हैं कि आत्माभिमान का सुख ज्यादा उठाए रहे हैं? देवान का सुख ज्यादा उठाए रहे हैं। तो आत्मिक स्थिति में रहना ही तपस्या है, और ये तपस्या में रहने से ही हम अपने आप अपन को सजा देते हैं। क्या सजा देते हैं? ये सजा देते हैं कि द्वापर कलयुग में ही हम सुख भोगते भोगते नीचे नहीं गिरे हैं, लेकिन सतयुग त्रेता में भी हमने इंद्रियों से सुख भोगे हैं। देह के सुख भोगे हैं कि नहीं भोगे हैं? तो देह का सुख भोगने से नीचे गिरना होता है। अभी हमें पता चल गया है कि देह के सुख में जितना मन बुद्धि को लगावेंगे,
उतना नीचे गिरते चलेंगे। अब गिरते गए हैं, अभी हमें रास्ता मिल गया। क्या कि देह के सुख मिलते हों स्वतः ही, तो भी हम क्या करें? मन को कहां लगावें? मन को आत्म की स्थिति में लगावें। अच्छे से अच्छा भोजन मिल रहा है, जीव आनंद ले रही है, तो कहेंगे देह का सुख ले रहे, और वहां से मन को हटा दें तो जीव को पता ही नहीं चलेगा स्वाद का। आत्मिक स्थिति में टिक जावे, यही है अपने को बड़ी की बड़ी सजा देना। आत्मिक स्थिति में रहना ही तपस्या है, देवान को तपाना है। वो योगी लोग क्या करते हैं, जो हठ योगी होते हैं, वो देह को तपाते हैं, उल्टे लटक जावेंगे, नीचे आग जला देंगे, उसमें धुआं लगा देंगे, ये देह को तपाने का काम करते हैं। और हम देह को तपाएं या देह भान को तपाएं, हम देह भान को जलाने का काम करते हैं। तो जितना जितना देह भान को जलावेंगे, तपावेंगे, देह भान को नष्ट करेंगे, भुलावेंगे, उतना उतना हम धर्मराज की सजाओं से क्या करेंगे? बचते जा रहे। और भारत में किस तरफ और कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त है? पूछा है शंकरनाथ भाई ने। किसने? शंकर को भी नाथने वाले, नाक में नकेल डालने वाले। ये वाक्य कहां से उठाया? अव्यक्तवाणी का महावाक्य है। अव्यक्तवाणी में बाबा ने बच्चों से पूछा कि भारत में किस तरफ और कौन आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त है, तो इसका जवाब बच्चों के पास होगा या दुनिया वालों के पास होगा या बेसिक वालों के पास होगा? हैं? बच्चों के पास होना चाहिए। जो बच्चे बने हैं वो पक्का पक्का जानते हैं कि इस दुनिया में आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त अर्थात साकार व्यक्तित्व कौन है। जो बाप के बच्चे बने नहीं हैं वो अभी भी पूछ रहे हैं। इस सभा में कोई कोई बने हैं तो हाथ उठाओ, कौन कौन को मालूम है कि आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त कौन है? होते तो नंबरवार हैं, लेकिन अव्वल नंबर, द्वयम नंबर, तीसरा नंबर, चौथा पांचवा नंबर होंगे तो राम वाली आत्मा। बस राम वाली आत्मा ही मुकर्रर रथ के रूप में प्रत्यक्ष होती है संसार में। शिव तो निमित्त नहीं बनता, ना अच्छा कर्म करने के निमित्त बनता है, ना बुरा कर्म करने के निमित्त बनता है, वो तो निमित्त हम बच्चों को बनाता है। अगला वाक्य, अंतिम समय दो शक्तियां ही काम करेंगी, एक सामना करने की शक्ति और दूसरी समाने की शक्ति। क्या ये दो शक्तियां ही विशेष हैं? हाँ, ये दो शक्तियां ही विशेष हैं, और ये दोनों शक्तियां नदियों में होती हैं, शक्तियों में होती हैं,
सरोवरों में होती हैं, नहरों में होती हैं, तालाबों में होती हैं, गड़ा गड़ैयों में होती हैं, कुओं में होती हैं, कहाँ होती हैं? नदी नालों में, सागर में होती है। सागर ज्ञान की लहरों के द्वारा बड़े बड़े तूफानों का मुकाबला कर लेता है। जितना जितना तूफान बढ़ते जाते हैं उतनी उतनी ऊंची लहरें उठती हैं सागर में और सारे तूफान को अपने अंदर समाय लेते हैं। तो सामना करने की शक्ति भी सागर में सबसे जास्ती है और सहन करने की भी शक्ति जास्ती है। कितना भी बड़े से बड़ा शस्त्र क्यों न हो, एटम बम ही क्यों न हो, वो सागर को खत्म करेगा या आखिरी समा जाएगा? समा जाएगा। कितना भी बड़े से बड़ा विष का भंडार क्यों न हो, वो विष का भंडार सागर में समा जाएगा या सागर को खत्म कर भस्म कर देगा? समा जाएगा। समा जाएगा। तो जो ज्ञान सागर का पार्ट है वो विशेष पार्ट है। उस विशेष पार्ट में ये दो शक्तियां विशेष हैं। ऐसे तो पूरा सागर ही एक सागर है लेकिन द्वापर कलयुग में उसको खंड खंडों में बांट दिया गया है। चैतन्य रूप में कहेंगे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक आदि, स्थूल रूप में कहेंगे सात सागर, नाम तो याद है ना, हिंद महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये महासागरों में सारा सागर बांट दिया गया। ज्ञान की भाषा में ये सप्तर्षि ही महासागर बन जाते हैं जो लिमिटेड हैं। अनलिमिटेड तो एक ही सागर है जिसको सात भागों में विभक्त कर दिया गया। तो अंतिम समय में ये बड़ा सागर एक ही सागर कार्य करेगा। उसकी कौन सी दो शक्तियां विशेष काम में आवेंगी? सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति। सहन करने की शक्ति भी है लेकिन वो ब्रह्मा की शक्ति है, बाप की शक्ति नहीं है। चौबीस चार सत्तर की वाणी में बोला है मैं रमता जोगी हूं, किसी को भी उठा सकता हूं। इसका क्या मतलब है? अरे तो बोलने वाला कौन है? हैं? शिव बाबा है। तो पूछने वाला शिव बाबा को जानता है कि नहीं जानता है? हाँ? नहीं जानता है तो पूछता। जो बच्चे जानते हैं वो तो जानते हैं कि वो रमता जोगी है, एक जगह बैठने वाला नहीं है। बैठा भी होगा तो मन बुद्धि रूपी आत्मा तो एक जगह बैठने वाली नहीं है, सदैव विचार सागर मंथन में रमण करने वाली है। इसी को रमता जोगी कहा जाता है। माना जो रमता जोगी होगा उसका किसी एक व्यक्ति विशेष में, किसी स्थान विशेष में, किसी वस्तु विशेष में लगाव नहीं लग सकता, अटैचमेंट नहीं हो सकता। उससे सारे अटैच्ड होंगे लेकिन वो किसी में अटैच नहीं हो सकता।
और बोलो बोलो, टाइम कम है। चलो, चीटियों की लड़ाई हो गई पूरी, पूरा ही है लाइन लगी ऊपर से तो बहुत काट। कुंडू भाई पूछ रहे हैं, राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है, और राधा कृष्ण के माता पिता कौन हैं? बताओ, किसी को मालूम है तो बता दो। हैं? राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है? माता पिता और बच्चों का संबंध है। और राधा कृष्ण के माता पिता कौन है? एक ही बात हो गई। माना जो हमको लक्ष्य दिया गया है क्या, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है। नर से प्रिंस कृष्ण और नारी से प्रिंसेज राधा बनने का लक्ष्य हमें नहीं दिया है, क्योंकि वो नीचा लक्ष्य है। और नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना ऊंचा लक्ष्य है। तो माता पिता ऊंचे होते हैं या बच्चे ऊंचे होते हैं? माता पिता ऊंचे होते हैं। तो लक्ष्मी नारायण माता पिता है जो संगम युग में ही पुरुषार्थ करके विश्व के बादशाह बन जाते हैं, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करते हैं, और उनके बच्चे राधा कृष्ण जो बनते हैं वो सतयुग के मालिक बनते हैं, विश्व के मालिक नहीं बनते। बस ओम शांति।